ये बात ना सिर्फ बियर्ड वाले समझ सकते हैं, जिनको जिनको बियर्ड है उन्हें पता है यार कि उनके बियर्ड एक टाइम के बाद रफ हो जाते हैं, उनको पोक करना शुरू करते हैं, घुंघराले हो जाते हैं एंड इरिटेशन होता है। डूड सलूट, क्या हाल है मेरे दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। यार आज के वीडियो में मैं आपको देने वाला एक ऑनेस्ट आंसर ऑन बियर्डो का गॉडफादर लाइट। यार बियर्डो का गॉडफादर लाइट एक बेहतरीन प्रोडक्ट है, जिसको बियर्ड है ना यार उसको ये वीडियो आज बहुत काम आने वाली है। आज की वीडियो में मैं आपको बताता हूँ इसकी क्वालिटी के बारे में, इसकी क्वांटिटी के बारे में, इसे कब लगाना ज्यादा बेटर होता है, इसके अंदर इंग्रेडिएंट कौन से हैं, इसकी पैकेजिंग को लेकर मैं कुछ बताऊंगा। अगर आप बियर्ड लवर है ना तो आपको बहुत अच्छा लगेगा एंड इसको डिटेल में हम ब्रेक डाउन करेंगे। साथ साथ इसकी प्राइसिंग को लेकर एक स्पेशल ऑफर चल रहा है जो वीडियो के मैं एंड में डालूंगा, तो ये वीडियो पूरा देखना। एंड मेरे भाई ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं, अपने खुद के पैसों पर खरीदा है, अगर चाहिए तो आगे बिल भी डाल दूंगा। तो चलो दोस्तों लेट्स रोल द टाइटल। पहले तो यार इसकी पैकेजिंग को लेकर कुछ बात करना चाहूंगा। यार बहुत ही बेहतरीन पैकेजिंग है, लाइक लिटरली ये जो गॉडफादर थीम है ना, आपको अगर पता नहीं है तो गॉडफादर एक बहुत पुरानी मूवी भी है, ठीक है। अगर आप देख सकते हो ना तो बियर्डो का जो मेन मैस्कॉट है जो दाढ़ी वाला, वो सेंटर में है एंड उसके ऊपर उन्होंने वो बोटाई लगा के एक प्रॉपर सूट जैसा अपीयरेंस निकाला है, जो फॉर मी इट इज वेरी क्लासी, लाइक आई फाइंड इट वेरी क्लासी। अगर आप बियर्ड वाले लड़के हो जिन्होंने ये सब पिक्चरें देखी है उनको तो पक्का समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। पैकेजिंग के लिए ही मैं इसको दे रहा हूँ 5 out of 5। अब्सॉर्प्शन एंड थिकनेस के लिए ना यार मैं इसको 4 out of 5 दे रहा हूँ, बहुत बेहतरीन है। आपके चेहरे पे लगाने के बाद भी ना एटलीस्ट 3-4 घंटे तक रहेगा, आपको ना एक वो शाइन देता रहेगा आपके पूरे बियर्ड को, आपको पता चल रहा है कि मैंने कुछ प्रोडक्ट अच्छा सा लगाया है अपने चेहरे पे। और ऐसा भी नहीं कि चिपचिपा करके पूरा नीचे वीचे गिर रहा है, नहीं, थिकनेस बहुत सही है, जितना आपके बियर्ड पे लगा है उतना ही रहेगा एंड एक अच्छा सा एक ओवरऑल शाइनिंग लुक देगा आपके बियर्ड को। फ्रेग्रेंस के हिसाब से मैं कहूँ ना यार इसमें 5 out of 5 दूंगा, बहुत ही अच्छा स्मेल है यार, लिटरली आपके चेहरे पे लगाने के बाद ना ऐसा नहीं लगेगा कि ये क्या लगा दिया। मेरा ना काफ़ी सेंसिटिव व्हेन इट कम्स टू स्मेल, ठीक है, कहीं पर ही मुझे ऐसा नहीं लगा कि भाई कि मैंने ये क्या लगा लिया है। बहुत ही अच्छा स्मेल है, एक्वा टाइप का स्मेल है, यू कैन कॉल इट लाइक वो जो एक्वा मैंथॉल टाइप के जो स्मेल होते हैं ना, और समथिंग लाइक दैट सिमिलर, नॉट एग्जैक्टली लाइक दैट ऑब्वियसली, बट थोड़ा बहुत वैसा स्मेल है इसका। इंग्रेडिएंट में इसके अंदर ऑलिव ऑयल है, आलमंड ऑयल है, एलोवेरा एक्सट्रैक्ट है, विटामिन ई है, मेंथॉल BHT है एंड मिनरल्स। प्राइसिंग अगर मैं बात करूँ ना यार तो ये प्रोडक्ट मुझे पड़ा था 350 रुपये का, ठीक है, पर अभी इसका ना कोई फ्लैश सेल डील चल रहा है जिसपे आपको ये सेम प्रोडक्ट 245 रुपीज़ में मिल सकता है, उसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, एक बार जाकर उसे चेकआउट कर लेना। अब इसको टाइमिंग ऑफ अप्लायंस में अगर आपको बताओ ना तो यार अगर आप दिन में लगा रहे हैं फेस वॉश करने के बाद इज द बेस्ट पीरियड दैट आई फील। यार देखो ये एक आपके बियर्ड का रेगुलर ऑयल है, ठीक है, ये ग्रोथ ऑयल वाला नहीं है, ये रेगुलर ऑयल है जिसको आप अपने बियर्ड पे लगाते हैं उसको और हेल्दी बनाने के लिए, तो ये आप तुरंत फेस वॉश के बाद इसको यूज कर सकते हैं। स्पेशली अगर आप पार्टी वार्टी में जा रहे हैं, कहीं बाहर निकल रहे हैं आप, ठीक है, कहीं पर कोई फंक्शन में जा रहे हैं तो ये तो बेस्ट है। फोटोशूट पर जा रहे हो या कहीं जनरल निकले हुए हो तो परफेक्ट है। अगर आप कोई हो जो हमेशा ही धूप में बाहर काम करता रहता है एंड ऑब्जर्व कर रहा है रिसेंटली यार कि बियर्ड बहुत ज़्यादा रफ हो गया है, मेरे भाई ये तो परफेक्ट है, तुम अपने काम के लिए जब निकल रहे हो ना उससे पहले ही इसको लगा लो, हो गया तुम्हारा काम। अगर आप चाहो तो इसको ग्रोथ ऑयल के साथ भी मिक्स कर सकते हो, पर सेम टाइम पे नहीं, दो अलग टाइम पे। जैसे अगर इसको दिन में लगाया है तो ग्रोथ ऑयल को आप चाहो तो शाम को लगा लो या रात को लगा लो, थोड़ा डिफरेंस के बाद। अगर आपको जानना है कौन सा अच्छा बियर्ड ग्रोथ ऑयल है तो मैं इसको यहाँ पे लिंक कर दूंगा, वरना नीचे डाल दूंगा, आप जाके मेरे सारे रिव्यूज चेकआउट कर सकते हो। वॉल्यूम की बात करते हैं, और वॉल्यूम के लिए ये पूरा प्रोडक्ट है सिर्फ 30 ml। मैं सिर्फ क्वांटिटी के हिसाब से इसको आई विल रेट इट 3 out of 5, थोड़ा ज़्यादा मिलता तो बेटर रहता इन टर्म्स। जो ड्राई हो गया है ना आपका बियर्ड, जो आपको पोक कर रहा है उसको ये नरिश करेगा। अप्रॉक्सीमेटली अगर आप इसको डेली लगा रहे हो ना तो आपको इफेक्ट दिखना शुरू हो जाएगा, 1 month तो लगेगा ही लगेगा आपको इसका इफेक्ट दिखने के लिए। इन अ प्रॉपर ग्रूमिंग रूटीन जो है ना लड़कों का, जो फेस केयर रूटीन है आपका, उसमें इसको यार ऐड कर लो, ठीक है। जिस जिसके आपका बियर्ड आ चुका है, आप हमेशा अपने फेस वॉश सब कुछ कर रहे हैं, उसके साथ साथ एक ये भी आप ऐड कर लो तो बहुत बढ़िया रहेगा। बियर्ड आपकी जब ड्राई हो जाती है वो क्यों हो जाती है? यार देखो बियर्ड का जो रीजन है वो खुद का एक ऑयल प्रोड्यूस करता है, ठीक है, सिबम ऑयल जो है वो नेचुरली वो प्रोड्यूस करता है एंड हम जब जब फेस वॉश करते हैं वो ऑयल निकल जाता है, जिस चक्कर में अपना जो बियर्ड का एरिया है वो ड्राई हो जाता है। इसलिए ऐसे ऑयल्स यूज करना इज हाईली प्रेफर्ड, मैं रिकमेंड करता हूँ भाई, अगर तुम्हारा बियर्ड है और तुम्हें रफनेस फील हो रहा है, ड्राइनेस फील हो रहा है, पोक हो रहा है, कर्ली होना मारना शुरू कर दिया है,
भाई देखो करली तो चलो अलग बात है, वो होना ही होना है उसे, बट अगर इफ यू आर फीलिंग द अबव थ्री तो बियर्ड ऑयल ये वाला मंगा लो, तुम्हारे बियर्ड के हेल्थ के लिए बहुत अच्छा है। अगर तुम्हें चाहिए ना तुम्हें कोई फेस वॉश भी उसके साथ तुम मिक्स कर सकते हो, तो मैं दो तीन नीचे ऑप्शंस डाल दूंगा, उसको भी चेकआउट कर लेना। एक ऐसा फेस वॉश यूज करो जो तुम्हारे बियर्ड के लिए भी हेल्दी हो, एंड उसको भी मंगा लो, इसके साथ मिक्स मैच करके अप्लाई कर लेना। ऑल एंड ऑल यार ये प्रोडक्ट मेरे तरफ से गुड टू गो है, अपने कंप्लीट रूटीन में इसको ऐड कर लो। आप जो भी फेस केयर यूज कर रहे हैं, जो भी आप मेथड यूज कर रहे हैं, उसके साथ एक ऐसा बियर्ड ऑयल ऐड करना इज एडवाइजेबल फ्रॉम माय एंड। एंड अगर तो यार आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना, अपने भाई के साथ ऐसे ही कनेक्टेड रहना। तुम्हें अगर कोई और टॉपिक के ऊपर वीडियो चाहिए तो मुझे नीचे कमेंट कर दो, वरना ये है मेरा इंस्टाग्राम आईडी, या मुझे फॉलो करके मैसेज कर देना, मैं वो टॉपिक के ऊपर वीडियो पक्का बनाऊंगा। अगर तो यार मैं लेट हो जाऊँ रिप्लाई करने के लिए तो टेंशन मत लो, समझो ये बात, आप एक हो जब मुझे मैसेज कर रहे हो, मेरे पास 800 डीएम अभी भी पड़े हुए हैं, मतलब डेली रिप्लाई करता हूँ, बहुत टाइम जाता है, तो पेशेंस रखना अगर आपको रिप्लाई करने के लिए टाइम लगा रहा हूँ। तब तक के लिए तुम जहां पर भी हो सेफ रहो, सुरक्षित रहो, अपने घर वालों का ध्यान देना मेरे भाई। मैं मिलता हूं तुमको बहुत जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए मेरे डूडा में बाय।